एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेच देगा ताकि उसको 20% का लाभ हो? तो किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, क्योंकि अभी 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, लेकिन उसको 20% का लाभ, तो ये तो किस रेट पर बेचे? अब देखिए, 240 रुपये में बेचने पर, बेचने यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब है बाद का मूल्य, हमको निकालना है। तो देखिए, पहले का मूल्य निकालना है, तो पहले का यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि वो चीज़ है कितने की। तो 10% की हानि हुई है, पहले का मूल्य निकालना है, तो पहले 100 लिख लेंगे और 10% की हानि यानी कि 100 पे 10 की हानि यानी कि 90। अब ये अगर कॉस्ट प्राइस आ गया है कैलकुलेशन से, तो हमको अब बेचने पर 20% का लाभ हो यानी कि बाद का मूल्य निकालना है, तो बाद में 100 लिख देंगे और लाभ चाहिए 20 का, 100 पर 20 का लाभ यानी कि 120। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और इस 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24 0, 80 की 4 से गुणा कर देंगे तो आ गया 320। तो वह मूल्य 320 रुपये है। अगर हम इस वस्तु को 320 रुपये में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है 20% का हो जाएगा, और यही ज्ञात करना था और यही इसका आंसर भी है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो उसे 20% का लाभ कमाना हो तो किस प्राइस पर बेचेगा, किस मूल्य पर बेचेगा? देखिए, वस्तु को बेचने पर 480 रुपये की वस्तु को बेच दी, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। हमको पता करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि वो वस्तु का एग्जैक्ट मूल्य कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इस मूल्य पर बेचने पर 20% की हानि उठाता है, यानी कि हमको निकालना पहले का मूल्य, तो पहले 100 लिखेंगे और वो उठाता 20% की हानि, 100 पर 20 की हानि हो जाती है यानी कि 80। अब हमको चाहिए 20% का लाभ, तो 20% का लाभ चाहिए, तो बाद का मूल्य निकालना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया है, तो अब हमको सेलिंग प्राइस यानी कि बेचेंगे, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि उसका बाद का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे तो बाद में 100, और 20% का लाभ चाहिए, तो 100 पर 20 का लाभ यानी कि 120। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 20 चौके 80 और 20 20 चिक्का 120, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 120, और ये हो गया 12 छिक 72, 720। यानी कि अगर उस वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाए, किस वस्तु को, जिस वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही थी, जिस वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही थी, उसी वस्तु को अगर 720 रुपये में बेच दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, तो हमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, और यही इसका आंसर है कि किस मूल्य पर उसको बेच दिया जाए कि 20% का लाभ हो। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, अगर वह 30% का लाभ कमाना चाहे तो किस मूल्य पर उसको बेचेगा? देखिए, 700 रुपये में बेच देने पर, बेच देने का मतलब है ये सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस का मतलब है बाद का मूल्य। हमको पता, पहला पता कर लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि पहले का मूल्य क्या है, पहले का मूल्य ज्ञात करना होगा, तो 100 पहले लिख देंगे, तो 30% की हानि, 100 पर अगर 30 की हानि हो रही है तो वो 70 हो गया। अब ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये है, इस मूल्य का वो कॉस्ट प्राइस था, बेच दिया 700 रुपये में। अगर अब हमको बेचना है लेकिन 30% का लाभ चाहिए, तो बाद का मूल्य ज्ञात करना, तो बाद में 100 हो जाएगा, और 30 का लाभ यानी कि 100 पर 30 का लाभ 130 हो जाता है, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब देखिए, इस 0 से ये 0 कट गई, इस 7 से ये 100 कटा, अब 100 की गुणा 1300 यानी कि 1300 हो जाएगा। अब देखिए, 1300 रुपये यह वो सेलिंग प्राइस है जिसको 1300 रुपये में बेच देने पर उसको 30% का लाभ हो रहा है, जो कि 30% की हानि थी। 1300 में बेच देगा तो 30% का लाभ होगा, और यही इसका आंसर है। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको और भी शॉर्ट ट्रिक में, तो क्या करेंगे, पहले का मूल्य 700 है, तो
ये जो 100 है, इस 100 से हमेशा ये 100 कटना ही होता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 100 पर 30 की हानि तो नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये नीचे आते हैं पहले 100 आता है। अब देखिए, अब हमको निकालना बाद का मूल्य है, तो ऊपर लिख देंगे, यानी कि 100 पर हमको 30 का लाभ चाहिए, तो 130 ऐसे लिखेंगे। तो ये 0 से ये कट जाएगा, इस 7 से ये कट गया, तो 100 हो गया, 100 की 13 से गुणा तो 1300। तो ये सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है।